हाँ यार, जो बंदा हर एक को एक कमेंट पे चढ़ जाता था, एक किसी ने स्टोरी डाल दी या कुछ मुंह से इसके खिलाफ बोल भी दिया, तो ये बंदा मतलब ऐसा चढ़ता था जैसे पता नहीं ये क्या है। बट आज की डेट में ये चुप क्यों है? आपको क्या लग रहा है कि हाँ भाई मैं कनाडा में बैठा हूं और इसलिए ये सोच रहा है? ये मतलब तुम लोग अपना ही बोल रहे हो कि हाँ आप कनाडा बैठे हो, यहाँ पे आ जाओ। आप वहां पे आ जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, बट फिलहाल मैं यहाँ पे बैठा हूं तो उसकी उंगली यहां से नहीं उठ रही है। तो सोचो अगर वहां पे होता तो क्या होता। सो थोड़ा सा दिमाग चलाओ और सोचना स्टार्ट करो कि हाँ भाई इसके पीछे राज क्या है, और उसके वीडियो में जाके कमेंट में पूछना स्टार्ट करो। उसी टाइम आपको पता क्या करेगा, ब्लॉक करेगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पूछना स्टार्ट करो। चलिए आज मैं आपको एक सच्चाई के साथ में रूबरू कराता हूँ। ओके, पहले तो इस बंदे की लड़ाई हुई सिंगा के साथ में, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की, 40 लड़के ये वो, मे भी दोस्ती थे ये लोग। ओके, छोटी मोटी बात हुई रही, कोई भी बात हुई, बट इसने बहुत बवाल किया। तो उसके बाद में एक मेरे सामने केस आया था, इसका जो स्कैम किया था लड़के ने, उसने सब कुछ सरेंडर कर दिया कि हमें फोन पकड़ लो, मैं आ गया आपके पास, बट फिर भी उसको मारा, गाली गली दी, ये वो बहुत बड़ा इशू किया। उसमें भी इसने बताया कि अभी मैं बहुत दलेर हूँ। फिर ये लड़के को इसने घुमाया, लॉलीपॉप ले, ये वो। हाँ, बाद में एक ये रोडीस वाला अपना भाई था, स्वेट करके, सो इसको भी इसने सॉरी बुलाई। क्यों? क्योंकि इसने स्टोरी पे सिंगा के टाइम में स्टोरी कुछ डाली थी, मीम बना दिया था इसका, एक छोटा सा मीम बना दिया था, तो एक स्टोरी पे अपलोड किया था, बाद में इसने सॉरी बुलाई उससे। और एक असम वाला, चलो इसने गाली गली दी थी असम वाले लड़के ने, बनता है कि थोड़ा होता तो करना चाहिए, बट गोलियां वेलियां उसको भी, जलील नाक रगड़ ये वो, इसने ये किया। और यहां पे रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील आ रही है, स्टोरी पे स्टोरी डाल रहा हूं, बट क्या हो रहा है, उंगली सिर्फ होठों से उठ नहीं रही। इसके पीछे क्या राज है, जरा आप सोचना भी स्टार्ट करो। अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है ना, थोड़ा दिमाग से सोचा करो कि हाँ यार, जो बंदा हर एक को एक कमेंट पे चढ़ जाता था, एक किसी ने स्टोरी डाल दी या कुछ मुंह से इसके खिलाफ बोल भी दिया, तो ये बंदा मतलब ऐसा चढ़ता था जैसे पता नहीं ये क्या है। बट आज की डेट में ये चुप क्यों है? आपको क्या लग रहा है कि हाँ भाई मैं कनाडा में बैठा हूं और इसलिए ये सोच रहा है? ये मतलब तुम लोग अपना ही बोल रहे हो कि हाँ आप कनाडा बैठे हो, यहाँ पे आ जाओ। आप वहां पे आ जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, बट फिलहाल मैं यहाँ पे बैठा हूं तो उसकी उंगली यहां से नहीं उठ रही है। तो सोचो अगर वहां पे होता तो क्या होता। सो थोड़ा सा दिमाग चलाओ और सोचना स्टार्ट करो कि हाँ भाई इसके पीछे राज क्या है, और उसके वीडियो में जाके कमेंट में पूछना स्टार्ट करो। उसी टाइम आपको पता क्या करेगा, ब्लॉक करेगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पूछना स्टार्ट करो कि हाँ भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे। बहुत लोग है ना बोलते हैं कि आपको जवाब नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिला। अरे फेम है क्या? क्या फेम मुझे बताओ, क्या इंस्टाग्राम से मुझे पैसा आ रहा है? अगर पैसा आ भी रहा है मुझे बता देना कहाँ पे आ रहा है, आप लोग को दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए वो पैसा, बट मुझे फेम नहीं चाहिए। फिर ऐसा फेम लेके क्या करना है कि जिससे पता चले कि हाँ भाई कोई बंदा मुझे जान रहा है, हाँ भाई इसका उसके साथ झगड़ा हुआ था। अरे झगड़े से नहीं, अगर मेरे में कुछ काबिलियत है कि हाँ भाई मेरा काम अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि मैं फिटनेस के रिलेटेड डालता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करो, अदरवाइज मत करो, कोई बात नहीं। अरे उससे क्या करना है, मेरा काम, मेरा बिजनेस अलग है, मेरा सब कुछ अलग है, मैं वीडियो डालता हूँ सोशल मीडिया पे बस। तो मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए जहां पे मतलब ऐसा चार बंदे मुझे इस नाम से जाना चाहे कि हाँ भाई ये इसका उसके साथ झगड़ा हुआ। बेशक चाहे मुझे मुझे पता है कि मैं सही हूं, बट कोई बात नहीं, बट उस ना उसकी वजह से नहीं मुझे जानना चाहिए कि हाँ भाई इसका उसके साथ झगड़ा हुआ था बस। सो एक बार बट आप सोचना जरूर स्टार्ट करो कि सबको जवाब दिया इसने, एक छोटी रील पे, एक कमेंट पे, एक गाली पे, और यहाँ पे कोई जवाब नहीं। यहाँ पे तो सीधा जवाब ही दे दिया, भाई तेरे को जवाब ही नहीं देना है। तो थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो कि जब सामने वाला बंदा स्ट्रांग होगा ये नहीं बोलेगा, जब सामने वाला बंदा कमजोर होगा इसकी जुबान बहुत चलेगी, बहुत ज्यादा चलेगी। तो इस पे जरा गौर फरमाइएगा। ओके।